तो ये व्यू देख के आप लोग सोच रहे होंगे अभी मैं कहाँ पे आ गया हूँ। सो हेलो एवरीवन, हेलो फ्रॉम मनाली। यस, राइट नाउ आई एम इन मनाली एंड आई वेबर श्रीवास्तव वेलकम यू ऑल टू द वर्चुअल जर्नी ऑफ मनाली। मनाली हिमाचल की वादियों के बीच में बसा एक ऐसा शहर जहाँ आकर सबके अंदर का बनी बाहर आ ही जाता है। यहाँ आकर सब दौड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, बस कोई रुकना नहीं चाहता। पर क्या करें, इस शहर की बात ही कुछ ऐसी है। तो अभी अभी जस्ट मैं मनाली पहुंचा हूं एंड काफ़ी लेट हो गया। 9 बजे का हमारा स्केड्यूल था बट थोड़ा जाम वाम मिल गया तो उसकी वजह से अभी 1 बज गया अप्रॉक्स। तो ये हमारा होटल रूम, मैं रुका हूं हॉलीडे रिजॉर्ट में। तो एक बार चलो व्यू दिखा देता हूं आपको रूम का। तो ये है होटल का रूम। सो अभी मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ और इसका ना एक पूरा मैंने सोचा है डिटेल वीडियो बनाऊंगा पूरे रूम का, सो दैट अगर आप भी मनाली आ रहे हो तो आप भी कंसीडर कर सकते हो कितना प्राइस है, कितने का पड़ा एंड क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो बाकी अभी व्यू देख लो आप, व्यू कैसा लग रहा है। ये बढ़िया रूम काफ़ी सही है यार, मतलब जैसा फ़ोटो में था, जैसा रिसर्च करके आया था वैसा ही है। एंड बेस्ट पार्ट जो मैंने रूम लिया है इसका, वो लिया है इसके व्यू की वजह से, मतलब भाई पूरा मनाली दिखता है यहाँ से, पूरा मनाली गजब। वो देखो लास्ट तक एंड तक, मतलब व्यू सबसे बढ़िया है, व्यू के लिए बिल्कुल 100 मार्क्स है। एंड ये नीचे यहाँ पे इसका ग्राउंड फ्लोर है। सो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, सो ब्रेकफास्ट आ रहा है, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं कहीं घूमने फिरने। अभी तो थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है तो थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि रात में 9 बजे से लेकर अभी 1:30 बजे तक, मतलब इतना 15-16 घंटे का अराउंड अराउंड पूरा ट्रैवल करके आए, तो 1-1.5 घंटा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके देन निकलेंगे। एंड खूब मज़े होंगे यार, अब की बार सेकेंड टाइम है मनाली में एंड मतलब एक बार में दिल नहीं भरा था इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। और पिछली बार मेरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है वो यहीं से ही शुरू हुई थी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मनाली आया था तभी मेरे दिमाग में आया था कि यार ब्लॉगिंग करनी है। एंड फाइनली आई एम इन मनाली एंड योर व्यू तो मतलब दिल खुश कर रहा है भाई, गजब व्यू है यार। वो देखो स्नोफॉल भी हो रही है, ये देखो पूरे अभी भी स्नो है, मतलब मई का महीना चल रहा है और स्नोफॉल, गजब यार। तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, हम चलते हैं। सो अभी ब्रेकफास्ट करके मैं रेडी रेडी होके बाहर आया एंड बाहर का मैंने सीन देखा है एंड आप भी देखो, मतलब आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे, देखो क्या सीन हो रखा है। ये देखो, मतलब अभी हमारा प्लान था बाइक से बाहर जाने का एंड अभी मुश्किल से लाइक 15 मिनट पहले ही जितने हैं ये माउंटेन सारे दिख रहे थे, बट बारिश की वजह से इतने बादल आ गए हैं एंड एक भी माउंटेन अब नहीं दिख रहा है। अभी तक सारे विजिबल थे, अभी तो मैंने पहले दिखा था, बट भाई व्यू अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है भाई। एंड बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मतलब हालत ख़राब है यार। अभी अब पता नहीं, अभी हमारा बाइक से जाने का प्लान था बट लेट्स सी कैसे क्या करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी मैंने वेदर फोरकास्ट देखा तो वो 5 बजे के बाद दिखा रहा है कि बारिश नहीं होगी, तो उसके बाद निकलते हैं। तब तक मुझे एक दो वीडियो शूट करने हैं, तब तक हम वो करते हैं एंड फिर चलते हैं। वैसे तो कितनी भी प्रिपरेशन कर लो बट कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाती हैं, जैसे कि इस बार बारिश। तो बारिश ने तो यार आज परेशान कर दिया, मतलब हम 1:30 बजे आ गए थे एंड पता नहीं क्या किस्मत लेके आए थे, आज बारिश बंद ही नहीं हो रही है। तो अभी बहुत हल्की हो गई है बारिश, तो नीचे चल के देखते हैं कि अगर हल्की है तो फिर चलते हैं एंड घूम के आते हैं। एंड बादलों का तो यार मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब 1 मिनट में आ रहे हैं 1 मिनट में जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब भाई चाहते क्या हो। बट ओवरऑल अगर होटल की बात करें तो रूम का व्यू काफ़ी अच्छा है तो सही है। तो चलो नीचे चलते हैं फिर देखते हैं।
तो अभी बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो अभी हम लोग कैब से जा रहे हैं। पास में ही जगह है माल रोड, तो अभी कैब से जा रहे हैं, माल रोड एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक दो जगह का और प्लान था, बट अभी इतनी बारिश हो रही है तो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो जाते हैं जो खाते पीते हैं। सोचा था मनाली आएंगे, घूमेंगे हिमालयन से बढ़िया, यहाँ सस्ते जादू बन के घूम रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है कि वी आर इन कोट पहन के माल रोड में घूम रहे हैं। तो अभी करेंटली वी आर इन माल रोड, ये ऐसे कुछ माल रोड सब छाते लेके घूम रहे हैं भाई। आज जो छाते और इनकोट बेच रहे ना उनके तो ये देखो पूरा माल रोड। तो अभी हम जा रहे हैं सिद्धू ट्राई करने, सिद्धू एक जगह मिलता है इधर, तो अभी सिद्धू ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बस बारिश थोड़ा मज़ा ख़राब कर रही है, बट ठीक है यार, अब जो भी है ये भी अपना अलग ही मज़ा आ रहा है। कल फिर आ जाएंगे होपफुली। मैं यही बात सोच रही थी मन मन में, अभी मेरी ज़िंदगी का आधे समय तो इसी गेट पे निकल जाता है। So I have ordered Thentuk. तो हिमाचल का फेमस सिद्धू और थेंटुक ट्राई करने के बाद हम निकल पड़े कुछ मीठे की तलाश में, और मीठे की तलाश हमें ले पहुंची अमीगोस कैफे मॉल रोड पे। यहाँ की कुछ वाइब ही अलग है, गुड एम्बियंस, बेस्ट चीज़ केक एंड सोलफुल म्यूजिक। सुनो आप भी। यार पहले तो आप लोग एक चीज़ बताओ, मेरी आंखें क्या नशे नशे वाली लग रही हैं क्या? हर थोड़ी देर में कोई आ रहा है, भैया ऐश ऐश ऐश, भैया गांजा 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 है। इतने लोगों को मना कर चुका भाई, नहीं लेना नहीं लेना, और एक दो बार तो कई एक ही बंदा मतलब बार बार। मैंने कहा क्या हो गया भाई यार, तुम नशे में करके मानोगे क्या मुझे? बट मैं कुछ मैं अपनी आंखें चेक कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो भाई आंखें सही है ना मेरी, क्या हो गया इन लोगों को आज भाई? और बेचारे जो लेंगे भी ना उनको भी सब नकली पकड़ा देंगे, 2-4 हज़ार का चूना लगा देंगे। बस आज यार खा पी तो लिया है माल रोड में, एंड अभी बस बारिश आज मतलब नहीं मान रही है, कह रही है हम नहीं मानेंगे आज, हम ख़राब करेंगे, हम नहीं घूमने देंगे, हम जादू बना के घूम आएंगे तुम्हें, तो भाई अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फाइनली अब जा रहे हैं होटल, मना मॉल रोड घूम पाए आज ज़्यादा कहीं जा नहीं पाए। भाई साहब ये क्या है? भाई साहब ये क्या है कैमरा है सर। तो डरा दिया, कह रहा भाई साहब ये क्या है, कैमरा है भाई और क्या है। तो बस अभी चलते हैं माल रोड, देख मारे सॉरी माल रोड तो हो लिया, अब चलते हैं होटल क्योंकि ठंड बहुत, ये हाथ ना जम गए हैं यार पूरे, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो होटल चलते हैं, फिर आगे की बात वहाँ करते हैं।
सो फाइनली बैक इन द रूम। सो ज़्यादा तो आज वैसे कवर नहीं कर पाए, माल लोड कवर कर पाए, मतलब जो आइटनरी मैं बना के आया था उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं कवर कर पाए, बट कोई नहीं, थोड़ा बुरा लग रहा था कि अरे यार बारिश की वजह से नहीं कर पाए, बट यार रूम में आए हैं और कुछ ऐसा हो गया कि दिल खुश हो गया। तो अब किस वजह से हुआ चलो आपको भी दिखाते हैं। तो मतलब आप बस इसका ना व्यू देख लो, मतलब रास्ते पर हम जब आ रहे थे तब भी देख रहे थे, एंड ये देखो पूरा मनाली शहर ऐसा जगमगा रहा है, मतलब दिल खुश हो गया भाई। मतलब मैं सच बताऊं कैमरे में भी उतना स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, उतना सुंदर नहीं दिख रहा है कि जितना सुंदर ये मेरी मतलब मेरी नज़रों में दिख रहा है आंखों से। तो मतलब होटल वाइज तो यार होटल एक नंबर है, होटल व्यू वाइज तो एक नंबर है। हाँ थोड़ा मान लो से 3-4 किलोमीटर दूर है, बट होटल मतलब व्यू के मामले में तो भाई एक नंबर होटल है, मतलब व्यू में तो 100 to 100 मार्क्स हैं। सो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में Day 2। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मैं भी मज़े में हूँ, आप भी मज़े करो एंड एंजॉय द व्यू।